कैंसर का एपिसेंटर बन के निकल रहा है, उसको क्या कर। और फिर जब खर्च होता है, फायदा किसका? वही बायर, वही सीड इंडस्ट्री, ग्लोबल सीड इंडस्ट्री, ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री एंड ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज वन इंडस्ट्री, दे आर नॉट सेपरेट इंडस्ट्री। वो तो जितना हम बीमार पड़ेंगे उनका फायदा। तो स्वास्थ्य के लिए हमको अपनी खेती करनी है। वेल्थ पर एकर जब हमने कहा कि ट्रू कॉस्ट करेंगे तो झूठा कॉस्ट है। हमारे किसानों को जो अपना बीज, स्वदेशी बीज इस्तेमाल करके स्वदेशी बाजार बना रहे हैं और जैविक खेती कर रहे हैं, 10 गुना ज्यादा कमा रहे हैं, 10 गुना ज्यादा, दो गुना नहीं, डबलिंग फार्म इनकम नहीं, 10-fold। और राधामोहन जी ने इसका फॉर्म दिया, $1.3 trillion एनुअली इज द एक्सटर्नैलिटीज एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन और सोशल डिस्ट्रक्शन इंडिया का इनकम फेस के लिए। 1.3 trillion ग्लोबली देखो तो पता नहीं क्या, और उसमें हमने स्वास्थ्य जोड़ा भी नहीं था। क्लाइमेट रेसिलियंस, हमारे किसानों ने सूखा सहने वाले, अभी एक साइक्लोन चल रहा है तमिलनाडु में, 99 का सुपर साइक्लोन उड़ीसा का, हमने पुराने बीज निकाल के जो सॉल्ट टॉलरेंट थे उनको बांटा। फिर सुनामी के बाद 2 ट्रकलोड हमारे उड़ीसा के किसानों ने तमिलनाडु के किसानों को। बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट रेजिलियंस हमने एक रिपोर्ट बनाई है, हमारे जो संरक्षक बीज है और पीछे बीज की चोरी। एक जीन निकाल लेते, आजकल तो जीन यहां आके निकालना भी नहीं, कंप्यूटर पे निकाल रहे, सीड बैंक से थोड़े सैंपल लेके कंप्यूटर पे निकाल रहे हैं, वो डीएनए मैप करके वो सीक्वेंस लेके उसको पेटेंट कर रहे हैं। फिर वो सीक्वेंस कहीं भी दुनिया में हो उनकी है। इसीलिए ये जो केस चल रहा है 3J का बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी कोशिश है सीक्वेंस का पेटेंट बनाकर। और कहते हैं फिर वो इट्स नॉट अ पार्ट देयर ऑफ, इसी का काउंटर हमें कर रहे हैं, इट्स अ पार्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ द जीन, इज पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट्स पार्ट ऑफ द प्लांट। और ये जो आप कह रहे थे माइक्रो प्रोपगेशन, इन इंडियन लॉ इट वुड बी इलीगल टोटली, बिकॉज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट इज ऑल एक्सक्लूडेड फ्रॉम पैटेंटेबिलिटी। सो 1500 जैव चोरी हमारे क्लाइमेट रेसिलियंस, इनके क्या गेहूं नहीं, इनके हम चावल नहीं है, चावल के पेटेंट, ज्वार बाजरा, क्योंकि और मौसम बदलाव में भी हमें ये किताब है सोयल नोट, 50% ग्रीन हाउस गैसेस उसी खेती से निकल रहे हैं जो ये कंपनियों ने बनाए, चाहे वो नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे मीथेन, 50%। तो दिक्कत भी यही कर रहे हैं और फिर मोनोपोली करके हमारा बीज को भी चोरी करते। एंड में मैं दो ही प्रार्थना के साथ एंड करूंगी कि जिस तरह नवदानिया ने 140 कम्युनिटी बीज बैंक बनाए हैं और अपना धरोहर बचाया है प्रोडक्शन के लिए, देखने के लिए नहीं, हमने प्रोडक्शन किया, हमारे किसान 10 गुना ज्यादा कमा रहे, हमारे खाने वाले ज्यादा स्वास्थ्य पा रहे हैं। ये हर 10-15 गांवों के क्लस्टर में एक कम्युनिटी सीड बैंक होना ही होना चाहिए, क्योंकि WTO के आने के पहले 80% सीड किसान का होता था। और आज के संदर्भ में चाहे बीमारी में हो, क्लाइमेट चेंज में हो, किसानों का कर्ज और आत्महत्या का एपिडेमिक हो, हर चीज के लिए वो स्वदेशी बीज का बहुत महत्व है। वो महत्व और बढ़ेगा जब हमारी यूनिवर्सिटीज और साइंटिस्ट पार्टिसिपेटरी ब्रीडिंग किसानों के साथ करेंगे। यही हम नवदानिया में सिखाते हैं। मैंने एक बीज विद्यापीठ शुरू किया है देहरादून में, हमारे संरक्षण के फार्म पे 2000 से ज्यादा किस्में हम उगाते हैं। और मैं चाहूंगी कि भारतीय कृषक किसान आए और वहां 3-4 दिन का एक वर्कशॉप हो, और फिर हर जगह वो लीडर्स बने, और हर जगह जहां यूनिवर्सिटी है आसपास वो यूनिवर्सिटी उनके साथ क्लाइमेट चेंज के लिए और मैल न्यूट्रिशन को देखने के लिए न्यूट्रिशनल एनालिसिस और क्लाइमेट रेजिलियंस, और इसका नाम हमने पार्टिसिपेटरी एवोल्यूशनरी ब्रीडिंग दिया है, क्योंकि एवोल्यूशन चाहिए, ज्ञान का भी चाहिए, बीज का भी चाहिए। और ये जिस तरह का जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो एवोल्यूशनरी ब्रीडिंग नहीं है,
तैयार है ये लोग नया टेक्नोलॉजी नया ब्रह्म के साथ. उसका नाम डाल रखा है क्रिस्पर जीन एडिटिंग. और आप कहते कि जैसे आप वर्ड में कट पेस्ट होता है ना, तो कहते बीज के साथ ये करेंगे, तेजी से ऐसे ले जाएंगे और फिर उसको हम इधर से यहां डाल देंगे. इसलिए ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बायोसेफ्टी रूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट है और ट्रांसजेनिक्स और जीएमओस के लिए बहुत बड़े रूल्स हो गए हैं. तो इनने सोचा हम इसको नेचुरल कहेंगे. आजकल प्रकृति को के पीछे छुप रहे हैं, इसको नेचुरल कहेंगे और कहेंगे ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, कैंची से काट रहे हैं. पर सृष्टि तो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एक एक बीज में कितना जबरदस्त इंटरेक्शन होता है. तो एक जगह काटते हैं 1500 जगह अनइंटेंडेड जेनेटिक इफेक्ट्स आ रहे. तो इस रिपोर्ट पे हमने स्पिन डाला है प्रिसिशन का और रियलिटी असली विज्ञान में क्या निकल रहा है. तो बीटी कपास देके समाप्त किया कपास को, अब ये चाहते हैं हर फसल में ये लाए और चाहते हैं इसमें बायोसेफ्टी लॉ भी ना हो, पैटर्न लॉ भी ना, हमारा एक्सक्लूजन ना अप्लाई करे. इसलिए ये 3J का न्यूक्लियर सीक्वेंस पैटेंटिंग का खेल खेल रहे हैं. इसके लिए हमें अपने ज्ञान के द्वारा अपनी स्वतंत्रता के द्वारा बीज स्वराज की स्थापना करनी है. साथ मिलकर करेंगे तो होगा. धन्यवाद. In the presidential address, I request Dr. Kevin Gubley, Dean Agriculture, G.H. Raisoni University, to please present a memento to the dignitaries on dais. I request volunteers to please support for it. I request Mr. Gavi to please present the memento to the Chief Guest, Dr. Vandana Shiva. Dr. K.P. Singh. Dr. Rajan Velukar. Mr. Rao. The Honorable Chief Guest of today's function, Madam Dr. Vandana Shiva, Dr. K.P. Singh, the Vice Chancellor of Chaudhary Charan Singh, Haryana Agriculture University, Shri Dinesh Singh of Bhartiya Kisan Sangh, Shri Jalpat Rao, the President of BAERC, invitees and my dear friends. I don't think I have much to say here after Dr. Vandana Shiva explained about the scenario in the entire world about SIDS and its related issues. I'm sorry, I am not very well versed with Hindi, and therefore I have just started in English. I am not an agriculturist, I don't have a land. I am not even from the field of agriculture. And therefore, I came here to understand the issues which our country is facing. Our university, let me just tell you in 1 minute about our university and the chancellor of this university, who has established this university in Chinwada district in a very remote village. There are 5 villages in that area, and within almost 20 square kilometer to 30 square kilometer there is no college even for higher education. And in the villages nearby our university, the schools are up to only 4th standard or 8th standard, not even beyond that. And therefore the university thought of establishing a university, it is a cotton belt and the orange belt. Again, when I had gone from Mumbai,
I spent 30 years in Mumbai, and after Mumbai, when they invited me to Nagpur to join as Vice Chancellor, after University of Mumbai's Vice Chancellorship, then I said Nagpur, they invited me to Nagpur, but then I said Nagpur, instead of working in Nagpur, I can work in Mumbai. But then when the Chancellor took me to this area, then a thought came to my mind that I must work in a rural area. Because I have spent 30 years in Mumbai. And therefore I came to this area. So the basic thought of the Chancellor is to transform the villages in that particular area. To work with the villagers. We are interacting with the villagers every day. We are doing a project with them. The name of the project is Silage. Creating city-like facilities. I am not saying city-like means whatever bad things of the city we are going to take there. The school is not there. The best of the best agriculture practices like organic farming, they are not doing. They are suffering. Then health. I have not seen a doctor there. Even if some problem appears in our university, we have to take the student to 30 kilometers away from our university. So we, fortunately we have a ambulance which we purchased for us. There is no doctor even in those villages. That sarkari doctor to wahan aata hi nahi hai. Khali tankha ke din shayad aata hoga. Ye wahan ki paristhiti hai aur isi liye wahan ke sare gaon ko badalne ke liye hamare jo kuladhipati hai unhone वहाँ ये विश्वविद्यालय खोलने का विचार किया। मैं वंदना जी को बताना चाहता हूँ कि हम जरूर आपके साथ में काम करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य वही है कि वो वहाँ के जो गांव है वो सारे गांव बदले और वो एक मॉडल बने, ताकि आजू बाजू के जो गांव है वो बदले। और इसीलिए वी आर ओपन, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू स्पॉन्सर दिस इवेंट एंड लिसन टू यू, वी कैन डू इट बेटर. But we are open, we want to bring more number of people to discuss about nation's transformation in whatever area people are working in. And therefore we have sponsored this event. So that we meet the intellectuals, we contribute to the nation through the dialogue with various people. Abhi main baithe baithe kuch main 3-4 minute lunga. I am from science background, from statistics, the field of statistics. So when engineering and technology, इसमें हम जो देख रहे हैं development हो रही है, वो सारी development artificial intelligence, machine learning, computational thinking, augmented realities, ये सारी चीजें हो रही है. अभी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारी बातें आगे बढ़ रही है, तो हमें भी हमारा पर्पस डिफीट ना होते हुए हमको भी उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए और हमको भी उसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. क्योंकि एवरीथिंग व्हाट एवर एनी वेदर इट इज सस्टेनेबल और नॉट, जैसे प्लास्टिक आ गया, अब प्लास्टिक के हमने देख लिया क्या है, सस्टेनेबल ही नहीं है. सारा जो चीजें हो रही है, हमारे सारे लोग उधर भाग रहे हैं. वंदना जी ने जब एक ये कहा कि भाई ये वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही है और हमने काफी सालों से इसकी बात की है, और वही है. और इसीलिए ये जो पेटेंट आया, आई वॉज देयर इन 2011 इन वन ऑफ द कॉन्फ्रेंस वेयर दे वर टॉकिंग अबाउट पेटेंट. I was amongst only 5 people were opposing the patent laws in 1000 people in America. If you look at the talks which are going on in the world after 2005 or 6, what is happening because of patent? Innovations are lowering down. There is no evidence कि पेटेंट की वजह से इनोवेशन बढ़ गया, इन्वेंशन बढ़ गया. In fact, it is the other way round.
the number of court cases which we see has increased, and more than 500 to 600 billions are spent on court cases because of this patent laws and patent fights. There is no evidence that they have created innovation. In fact, there is a statistics which shows that because of that, the competition has decreased. अपने टेक्नोलॉजी के इसमें दे दिया कि एप्पल ने सैमसंग के ऊपर केस कर दी, माइक्रोसॉफ्ट ने उसके ऊपर कर दी, ये सारा चीज चल रहा है टेक्नोलॉजी में, वो कल हमारे बाकी चीजों में भी आएगा। किसका पेटेंट है भाई बीच पे, तो किसका पेटेंट हो सकता है? तुमने तो इस धरती पे कुछ नहीं लाया है, ना ही तुमने यूनिवर्स बनाया है, कहां से पेटेंट लाओगे? तुम्हारा खुद का क्या है? तुम्हारा खुद का कुछ भी नहीं है। तो आई टॉक्ड अगेंस्ट द पेटेंट लॉज देयर। ये सारी चीजें, ये मोनसेंटो, आई डोंट नो मच, बट व्हाट एवर आई हैव रेड एंड व्हाट एवर आई हैव हर्ड, व्हाट मोनसेंटो हमारी पूरी जमीन खराब कर दी है। अभी जमीन कौन लाएगा भाई वापस? और हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। मैं भी डायबिटिक हूं 2003 से, नाउ आई हैव रिवर्स माय डायबिटिक, नॉट बाय टेकिंग एनी मेडिसिन, नॉट जड़ी बूटी एंड एनीथिंग, बट आई हैव स्टार्टेड ईटिंग ओनली ट्वाइस अ डे ऑर्गेनिक फूड, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। सो आई हैव रिवर्स आफ्टर 2003 from 10.33 to down, and therefore as there is less time, but there is a case against patents. I was reading a paper in the morning. He says there is little evidence that stronger patents lead to more innovation. There is no evidence. I am not going to elaborate this. Two is, competition is often a more plausible driver of innovation. कॉम्पिटिशन इज डिक्रीजिंग, किसी ने पेटेंट ले लिया भाई अभी हम क्या कर सकते, दिस इज हैपनिंग इन ऑल द फील्ड्स। इंस्टेंट पेटेंट्स आर ऑफन यूज्ड टू एस्टैब्लिश कंपनीज टू मेंटेन देयर पोजीशन। देयर आर मीनवाइल डाउनसाइड्स टू स्ट्रॉन्गर पेटेंट लॉस। एक मूवमेंट पेटेंट के विरोध में हमें करनी होगी। Any patent system will inevitably grow more and more restrictive over time. So while there are plenty of reasonable ways to improve the patent system, we need to work towards that. There are counter arguments to this also. But we need to understand, and this is a platform which has been provided. We wanted to provide you a platform, and therefore we have sponsored this event. When Ashutosh Murkute came to us, our chancellor said, yes, we will go ahead, we would like to go ahead with this, and therefore this event, and we have got support from everybody, and we would like to get a strategic document from all of you at the earliest, so that whatever we also from our end can do, we can do. ये सारी डीड्स और सीट में खेलने के कारण जो भी हो रहा है वो हम देख रहे हैं, हमें इसको रिवर्स करना है। लास्टली आई वुड लाइक टू से दैट थिंकिंग इन आइसोलेशन विल नॉट हेल्प, वी नीड टू थिंक इन ए इंटीग्रेटेड वे। अदरवाइज ऐसा होता है कि हम आइसोलेटेड वे में सोचते हैं, और इसीलिए interdisciplinarity, multidisciplinarity and transdisciplinarity approach is must. We need to talk with other disciplines also. We need to work with other disciplinary institutions in India as well as outside. Otherwise hum sochte hi nahi hai ki hamara agriculture hai to hum hamare agriculture universities mein kaam karenge aur wahi sochenge. Aise aaj nahi chalega. क्योंकि सारे डिसिप्लिन्स में आप देखोगे, इवन मेडिसिन में टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज होती है। टू अंडरस्टैंड द रिदम ऑफ योर हार्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कैओस थ्योरी
And to implement that chaos theory, you need to create a technology. Chaos theory is in mathematics. Creating order in disorder. In finance, they are using principles of physics. In economics, they are using the principles of physics. So it is all interdisciplinarity, and therefore agriculture also will have to work with other disciplines. Then only we will be able to survive. Lastly, as Robert Louis Stevenson said, don't judge each day by the harvest you reap, but by the seeds that you plant. That is the message for this 2 days consultative convention. I hope you will participate fully with openness. Whatever you want to say, you must. That is our purpose. So that whatever best we can take from this 2 days National Consultative Convention. With this, I wish all of you the very best. And I, on behalf of the university, I must really thank Dr. Vandana Shiva for coming here and then addressing all of us. At least I have gained from your talk. I am not from agriculture, and therefore I must have gained more than what you have gained, because you all are from agriculture field. But certainly our university would like to work with you, and then as we have launched a project that is called as Silage. Anil Kakodkar and Baba Economic Research and Neeri and everybody is involved in that. Thank you very much. In capacity of project at Raisoni Group of Institutions, Nagpur, I would like to thank all the dignitaries on dais and of the dais present here at the convention. On behalf of GH Raisoni University, I would like to thank everybody present here. Would express my thank you to Mr. Sunil Raisoni, Vice Chancellor GH Raisoni University, and Dr. Rajat Velukar sir, Vice Chancellor GH Raisoni University, for providing their unconditional support for whatever the endeavors we conduct. Would like to thank Mr. Ashutosh Murkuti that he came with the proposal and provided his support, and he worked hard for this convention. All the organizations associated for this convention, the volunteers who have provided the support, and the media who will later provide the support. I would like to thank everybody here, and would never forget to thank Dr. N.S. Rathore that he provided his support always for all the endeavors that we have proposed him and asked for the support for him. Thank you all. Thank you so much. We'll request all to please proceed for the high tea, and after that we will start a session with... टोटल हमारे 3 सत्र हैं। ये पहला जो सत्र है, जैसे इनॉग्रेशन में बताया था कि एक प्रथम व्यक्ति जो है वो लीड के तौर पे यानी विषय रखने के लिए चालू करेंगे, 10 मिनट तक उनका भाषण रहेगा। उसके बाद जो भी विचार अपने रखना चाहते हैं वो पॉइंट वाइज 2 मिनट में अपनी जगह से ही रखेंगे, और ऐसा हमें करना पड़ेगा। हमारे आज के सत्र के लिए हमारे एग्रीकल्चर कमिश्नर डॉक्टर एस के मल्होत्रा जी हमें यहाँ पे उपस्थित हुए हमारे साथ में। मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि साहब मंच पे आए एज ए चेयरमैन। से रिक्वेस्ट करूँगा इस सेशन को शेयर करें। टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है और हमको सबके विचार सुनने हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय इस विषय के तज्ञ हैं। डॉक्टर साहब का काफी लंबा एक्सपीरियंस हॉर्टिकल्चर में रहा है, वो एडीजी के तौर पे भी काम कर रहे थे, तो उनको आईसीआर का मिनिस्ट्री का हॉर्टिकल्चर कमिश्नर भी रहे, काफी तगड़ा अनुभव है। तो हमारा जो भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट होंगे इंटरेस्ट वो अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, पूरा विश्वास है। और हमारे आज के जो प्रमुख वक्ता है डॉक्टर सहिदा जी, ये मेज भी इनका काफी अच्छा काम रहा है। और मेज हमारे भारत का ऐसा क्रॉप है कि जो सारे देशों में होता है, और पैराडाइम शिफ्ट जिसको बोलते हैं, यानी देसी मेज से लेकर तो स्ट्रीट पार्क तक अलग अलग वैरायटीज में इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो दास साहब का भी काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। हमारे को चेयरमैन प्रदेश जी है, कुलपति है ग्रामोद्योग में,
इनका भी एग्रीकल्चर में काफी रुचि, ग्रामों को भी इनका काफी सक्रिय सवाल है। तो हमने ऐसे कुछ एक्सपर्ट चुने हैं कि ताकि पूरा ओवरऑल पिक्चर हमारे पास है। मैं पहले तो हमारे अध्यक्ष महोदय का स्वागत करूंगा, पुष्प गुच्छ देके। आज का जो सेशन है हम लोग हिंदी में बात करेंगे आप सबसे, और सबका मुझे आप सबके बीच में आकर की खुशी है। और हमारे आज का जो सेशन है उसके को चेयरमैन डॉक्टर एन सी गौतम साहब, डॉक्टर पालीवाल साहब, और यहाँ पर मौजूद हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो एक्सपर्ट्स हैं और गणमान्य व्यक्ति जैसे भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इंडस्ट्री से भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, और रिसर्च सेक्टर से, डेवलपमेंटल सेक्टर से, और किसान संघ और किसान भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सब जानते हैं कि ये जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, और ये सेशन एक प्रकार से बीज की उपलब्धता से संबंधित है। तो सबसे पहले जो मैं बीज की उपलब्धता की बात हम इसलिए करते हैं और उसको इंश्योर करते हैं कि अगर हमारा जो बेसिक इनपुट है वही अगर सही मायने में उपलब्ध नहीं होगा, समय पर उपलब्ध नहीं होगा और सही किस्मों का उपलब्ध नहीं होगा, तो भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका जो है एक प्रकार से कार्यान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो अभी मैं मंत्रालय में जो कार्यक्रम देखता हूँ, मेरे पास नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन प्रोग्राम है, और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन प्रोग्राम अपने आप में एक ऐसा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो हमारे देश की जो फूड सिक्योरिटी है उसको जो है निर्धारित करता है। तो इस नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन प्रोग्राम को जब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम इसको पूरे कंट्री में कैसे इंप्लीमेंट करें, तो इसमें हम लोगों ने इसको दो भागों में बांटा हुआ है, जिसमें हम कहते हैं कि एक हमारा रबी का सीजन है, एक हमारा खरीफ का सीजन है। वैसे बीच में हमारा जायद समर भी आ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है दो सीजन ही है हमारे जिनको हम लोग लेकर के चलते हैं। तो इनका जो है पूर्ण रूप से इसका आकलन किया जाता है कि हमारी बीज की उपलब्धता क्या है, और हमारे बीज का अभी पहली बात तो आती है कि हमारे को चाहिए कितना बीज। एक तो हम ये कहते हैं व्हाट इज द डिमांड ऑफ द सीड फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स एंड व्हाट काइंड ऑफ अवेलेबिलिटी इज अवेलेबल विद अस, कि हमारे पास उपलब्धता कितनी है। इन सब चीज़ों को हम और भी जितने आदान हैं जो इनपुट्स जो इसमें यूज होते हैं, चाहे वो सीड है, पेस्टिसाइड है, चाहे फर्टिलाइजर्स है, इसके अलावा मशीनरी है, ये सभी इनपुट्स के बारे में हम बड़े विस्तार से जो है स्टेट के साथ बैठ करके दो दिन जो है इन वर्कशॉप्स में चर्चा करते हैं, और इन सब चीज़ों को जो है हम लोग उसका वी मेक इट श्योर दैट यस ऑल इनपुट्स व्हाट एवर आर रिक्वायर्ड दे आर रिक्वायर्ड टू बी पुट इनटू द आई मीन सिस्टम वेयर अवेलेबिलिटी इज एनश्योर्ड। सो वी हैव ए सीड रोलिंग प्लान एग्जिस्ट इन द कंट्री, and I will not much speak about that, but before that I would like to give just to set the tone before we start the discussion related to this session. तो अभी आप मोटे तौर पर देखेंगे कि बीज की जो उपलब्धता है वो आती कहाँ से है, दो तरीके से आप देखोगे कि पहला एक पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं कि हमारा पब्लिक सेक्टर, दूसरा पार्ट आता है प्राइवेट सेक्टर। तो इसकी जो उपलब्धता है, जो हमारे मोटे अनाज है और दूसरे अनाज हैं मुख्य जो हम लोग खाद्यान्न से सीधा जो जुड़े हुए हैं, फूड प्रोडक्शन, फूड ग्रेन्स, मैं कहूँगा फूड ग्रेन्स पल्सिस, उसमें सभी आ जाते हैं। तो इसका जो है 50% जितने हमारे को बीज की जरूरत पड़ती है वो हम गवर्नमेंट सेक्टर आई मीन पब्लिक सेक्टर इसको पूरा करता है, जिसमें हमारे राज्य सरकारें भी आती है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी आती है, ICAR इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, और जो सीड का हमारा एक मैकेनिज्म है जिसमें NSC भी है और इस तरह की बहुत ही स्टेट सीड कॉरपोरेशंस भी हैं, तो ये उनके माध्यम से जो है उसकी पूर्ति होती है। लेकिन बाकी जो 50% की जो मैं बात करता हूँ वो जो है हमारा प्राइवेट सेक्टर से है, जो मुख्य रूप से जो है हाई वैल्यू सीड्स को और जो लो वॉल्यूम भी है उनको ज़्यादातर जो है वो डील करते हैं, और हम लोगों के पास जो आता है वो जो गवर्नमेंट सेक्टर के पास, पब्लिक सेक्टर के पास जो भी है वो एक तरह से लो वैल्यू और हाई वॉल्यूम वाला है जो फूड ग्रेन्स की बात है। तो इस तरह का डिवीजन है और इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, और मोटे तौर पर इसका आकलन भी किया गया कि कहाँ हमारे को रबी में कितना बीज चाहिए, किस एक फसल में कितना चाहिए, इस प्रकार के सारे आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं।
और हमारे सीट पोर्टल जो एक हमारे कृषि मंत्रालय में बना हुआ है उस सीट पोर्टल पर भी जो है ये जानकारी उपलब्ध है। और उससे पहले थोड़ी चर्चा हम लोग जरूर कर देंगे कि जो सीट सेक्टर है और हमारी जो सीट की अवेलेबिलिटी है उसी की वजह से ये संभव हो पाया कि हमारे जो उत्पादन है वो बढ़ करके 84.8 मिलियन टन। तो आप सीड की बात करेंगे तो वो जो इसका एक तरह से सीड सेक्टर में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अवेलेबिलिटी की वजह से अवेलेबिलिटी हमने इंश्योर की है। इसीलिए इसमें जो इतना जो हमारा प्रोडक्शन का लेवल है जो मैं बता रहा हूँ 284.8 मिलियन टन हमारा खाद्यान्नों का हुआ 307.5 मिलियन टन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का हुआ। तो ये सब जो है एक तरह से जो भारत सरकार की अनुकूल पॉलिसीज थी उसकी वजह से ये संभव हो पाया और सबके जो है एक मिले जुले जो प्रयास हैं उसकी वजह से। ठीक, तो अभी अभी जो मुझे बताया गया है ऑर्गेनाइजर्स के उससे कि एक इसमें लेक्चर का एक डॉक्टर साईदास की तरफ से जो एक प्रेजेंटेशन का रखा गया है तो मैं डॉक्टर साईदास सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि तो यहाँ पर आकर के अपना एक 10 मिनट का प्रेजेंटेशन दें और डॉक्टर साहिल लेक्चर। तो डॉक्टर साईदास साहब के बारे में थोड़ा सा छोटा सा परिचय मैं जरूर दे देना चाहूँगा। डॉक्टर साईदास जो है जाने माने हमारे देश के मेज ब्रीडर हैं और उनके जो किए गए काम हैं बहुत ही सराहनीय है और उनकी जो बनाई गई किस्में हैं पूरे देश भर में जो है व्यापक है और इन्हीं के द्वारा जो चलाया हुआ जो एक मुहिम था कि हमें सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स को देश में आगे लेके जाना है अगर हमें उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है तो उसका सारा योगदान मैं इनको देता हूँ क्योंकि ये ब्रीडर भी रहे हैं मूल रूप से वैज्ञानिक रहे हैं तो वही विज्ञान और उनके अनुभव को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इनको डायरेक्टर की जिम्मेवारी दी थी जो एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च था। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च में जो है सर निदेशक के पद पर रहे हैं और इनकी बहुत सारी उपलब्धताएं हैं और इनसे हम लोग सुनना चाहेंगे और इनका एक लंबा अनुभव है बीज से संबंधित जो भी बात आती है और अभी भी जो है ये सीड सेक्टर से जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में और अपना मार्गदर्शन जो है ये करते रहते हैं। तो मैं डॉक्टर साईदास से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना प्रेजेंटेशन अपना जो उद्बोधन है वो 10 मिनट तक के लिए रखें और उसके बाद से हम लोग इसको एक्सपर्ट्स के फीडबैक लेकर के फिर हम लोग को ऊपर रखेंगे डिस्कशन के लिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आपसे जो हमारे पास फीडबैक आएगा वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब धन्यवाद मल्होत्रा जी। हम चीफ पार्ट के जो हमारे चेयरमैन सेशन के डॉक्टर गौतम जी डॉक्टर पालीवाल जी डॉक्टर फुलके जी मेरे को प्रेजेंटेशन नहीं देनी क्योंकि अभी यहाँ तक ही उन्होंने कहा कि आपको 10 मिनट के लिए बोलना है। एनीवे कोई बात नहीं। देखिए सीड जो हम हिंदी में बोलते हैं हिंदी में आ गया है जितने भारतीय किसान संघ के और दूसरे वाइस चांसलर और मांग आए हैं पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर से आप सबको नमस्कार और किसान भाइयों। देखिए पहली तो बात यह है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को देखकर समझ सकते हैं कि सीड की इम्पोर्टेंस कितनी। हम हमेशा कहते हैं फार्मर फर्स्ट सीड फर्स्ट। जब सीड की इम्पोर्टेंस अभी इतनी है दिखाई दे रही है तो किसान के खेत पर कितनी होगी। सीड की अवेलेबिलिटी की हम बात करते हैं कि सीड की अवेलेबिलिटी दो ग्रुप होते हैं जैसे एक होता है जिसको हम कहते हैं सर्कुलरिटी क्रॉप दूसरा कहते हैं क्रॉसिंग। एक के अंदर जैसे मल्होत्रा जी ने कहा हाइब्रिड क्रॉप्स होती हैं दूसरे में होती हैं नॉन हाइब्रिड क्रॉप्स होती हैं। हाइब्रिड क्रॉप्स को आज की डेट में हमारा पूरा का पूरा शेयर जाता है प्राइवेट सेक्टर को और कभी भी हमें देखिए किसी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। फॉल्ट इसमें फाइंड आउट कर लो होते हैं फॉल्ट होते हैं फॉल्ट का सोल्यूशन भी देना चाहिए। एकदम हम फॉल्ट भी ढूंढते जाए और उस बाद देश की फूड सिक्योरिटी को हम एड्रेस नहीं कर सकते पहली बात यही है। देखिए हाइब्रिड का कंट्रीब्यूशन टोटल 99% गोज टू द प्राइवेट सेक्टर एंड वी शुड रिकॉग्नाइज देम एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग अवर फूड सिक्योरिटी फूड प्रोडक्शन एंड फार्मर इनकम एंड फार्मर प्रोडक्ट।
प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन है कि टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की है, उसकी टेक्नोलॉजी को वो ले जा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के पास इतना हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है। अब देखिए सीड महंगा क्यों है, अवेलेबिलिटी हो सकती है, जो हाइब्रिड क्रॉप्स हैं उनका सीड महंगा करने के लिए सभी की सभी हमारी कॉमन रिस्पॉन्सिबल है। एक किसान से हम सीड हाइब्रिड खरीदते हैं तो 50 रुपए किलो होता है, जब वो फार्मर तक पहुंचता है वो 300 रुपए किलो होता है, और गवर्नमेंट के थ्रू जाता है वो 200 रुपए किलो होता है, जबकि इसकी कीमत 100 से 150 रुपए ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर सब गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है इसको प्राइस बढ़ाने में और फार्मर को कोई सुनता। जहां तक सेल्फ पोलिटिक क्रॉप है जैसे पल्सिस है, व्हीट है, राइस है, कुछ ऑयल सीड्स हैं, उनके अंदर क्या है कि हम भी ट्रेनिंग भी देते हैं किसान को कि एक बार वो बीज खरीद ले, कि पहले हमारा किसान जो फादर हमारे किसान थे तो क्या करते थे, बीच में जाकर के अच्छे सीड को सिलेक्ट कर लेते थे और 3 साल तक उसी को यूज करते थे। आज भी वो कंसेप्ट थ्रू होल्ड करता है सेल्फ पोलिटिक क्रॉप्स के अंदर, चाहे व्हीट हो, चाहे राइस हो, चाहे आपके चना हो, मूंग हो, उड़द हो, पल्स हो, वो अभी करते हैं। अभी भी हम सीड की अवेलेबिलिटी 100% इन क्रॉप्स में नहीं दिला सकते, चाहे हमारा पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो। पहली बात तो यह है कि सीड से, दूसरी बात है सीड चेन को फॉलो नहीं किया जाता, जब हमारे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन कंपनी हो या प्राइवेट सेक्टर कंपनी हो वो भी नहीं फॉलो करते। जब तक सीड चेन को फॉलो नहीं किया जाएगा तो सर्टिफाइड सीड नहीं मिलेगा। तीसरा, देयर इज अ बिग डिफॉल्ट इन द सीड सर्टिफिकेट सिस्टम। आप मुझे बताइए एक मैट्रिक प्लेट या 10वीं पास आदमी कैसे सभी क्रॉप्स के सीड को सर्टिफाई कर सकता हो, व्हीट का भी वो करता है, राइस का भी वो करता है, मेज का भी वो करता है, वेजिटेबल के भी वो करता है। सबसे पहले हमें सीड सर्टिफिकेशन के स्टैंडर्ड्स को सेट करना होगा। नंबर वन, सेल्फ सर्टिफिकेशन सीड को हमने इम्पोर्टेंस देनी होगी, क्योंकि सेल्फ सर्टिफिकेशन के अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। क्यों आती है, अगर एक सर्टिफाइड सीड दे दिया किसान को, आपने कहा सीड तो सर्टिफाइड था, कल को कहीं भी कोर्ट में जाता तो क्या कहेगा, भाई हमने तो सर्टिफाइड सीड दिया था। अब इस किसान ने उसके अंदर 10 लाख पोस्ते से टेक्नोलॉजी रोकने की हो, इसे टाइम पर सोई ना किया हो, इसके तहत बिजाई को पानी लगाओ, अगर जब हम उसको सेल्फ सर्टिफाइड सीड देते हैं तो उसको जो है ना जब पूरी एक जो भी देता है वो किसान जब लगाएगा तो वो देखेगा भाई सीड अच्छी क्वालिटी का है। एक साइकोलॉजिकली भी होता है, साइकोलॉजिकली भी किसान को प्रिपेयर होना पड़ता है। तीसरा ये है कि सीड की अवेलेबिलिटी टाइम पे काफ़ी नहीं होती, सीड कब मिलता है, गवर्नमेंट सेक्टर का भी कभी किसका भी हो तब मिलता है जब सोइंग स्टार्ट हो जाती है। उसका रीज़न यही है कि सीड प्रोक्योरमेंट के बहुत इश्यू हैं। हमारा सीड का आज भी सीड स्टैंडर्ड कब के बने हुए हैं, अंग्रेजों के टाइम के बने हुए हैं, उनका सीड का अमेरिकन स्टैंडर्ड के हैं, बोरोड है, टोटल सीड सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड्स आर बोरोड, दे आर नॉट मेड इन इंडिया। इंडिया की स्टोरेज कंडीशन कैसी है आपको पता है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आपको पता है, आपके सीड स्टैंडर्ड इतने हैं कि हमारा कई बार सीड प्रोड्यूस भी उसको हमको रिजेक्ट करना पड़ता है। क्यों नहीं हम उस सीड को ऐसे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें ताकि कोल्ड स्टोरेज क्रिएट करें, और तीसरा जीओडी टेस्ट, ग्रोवर टेस्ट ओल्ड स्टोरी है। जब आप बताइए जब सीड आपने प्रोड्यूस किया, अब एक साल उसको रखोगे तो उसकी जिगर और वाइबल के जनरेशन लूज होगा कि नहीं होगा, और यू शुड हैव द कंडीशन वेयर यू कैन मेंटेन द सेम विगर जर्मिनेशन एंड इट्स वाइबिलिटी। आप वाइबिलिटी मेंटेन करिए आपके पास कुछ नहीं है, आप सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं आंध्रा के अंदर और सीड आते आते बरसात होगी कुछ हो गया और फार्मर को देना अपने नॉर्थ में। तो इसलिए मेरा ये है कि सीड अवेलेबिलिटी के लिए सीड का इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, सीड सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड के अमेंडमेंट जरूरी है, और सीड जो है ना किसानों को सेल्फ पोलिटी क्रॉप का अवेलेबल होने के लिए सीड चेन को फॉलो करना जरूरी है। और मैं चंद सब बातों का आई कुड हैव मेड द प्रेजेंटेशन हैड आई बीन आस्क्ड ऑन ईच पॉइंट एंड एलेबोरेशन। थैंक यू वेरी मच। And as has mentioned that seed chain is not followed, but really you may need to look into, but seed chain is already in place, maybe some gaps might be existing in that seed chain, but seed chain we have it. We have said seed chain. No, no, seed chain is there. Yeah. Seed chain is there, but seed chain is not followed. Seed chain is there. We'll take up that issue. And we'll discuss. Correct. So now, look. Yeah. So now I ask my colleague, Dr. Paliwal is available with us. So I will ask him to give his viewpoint. 5 minutes are given to Paliwal.
ये जो समस्या बताई, ये सारी स्टेट्स में समस्या ये है कि अब बहुत जगह जो कुछ स्टेट्स आइडेंटिफाइड हो गए, इसके अलावा तो बहुत बड़ा जो बहुत बड़े प्रोडक्शन चैन में है जो स्टेट्स, परंतु उनके पास सीड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये बात सही है कि हमारे पास फूड ग्रेन को स्टोर करने की इंफ्रास्ट्रक्चर है और उन्हीं को हम साइमल्टेनियसली काम ले रहे हैं। ये हमारे RSWCC है या और जो वेयर हाउस कॉर्पोरेशन है उनको ले रहे हैं, वो आपके हिसाब से और सीड चेन के हिसाब से और जो सीड स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी वाइबिलिटी और वाइबिलिटी को मेनटेन कर ले, उनकी स्थितियाँ, उन स्टोरेज की, उन स्टोरेज स्ट्रक्चर्स की स्थितियाँ वो नहीं है। ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमको राज्य स्तर पर इनकी पॉलिसीज बनाए। हमारी जो आपकी सीड पॉलिसी बने उसके अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट ये हो कि हमारा सीड स्टोरेज के ऊपर, सीड स्टोरेज के अभाव में बहुत सारी चीज़ें हमारे को देखने को मिलती है कि हमारे कई बार जो सीड है वो बहुत बड़े आंदोलन भी हो जाते हैं हमारे, जैसे हमारे कोटा में बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिला कि हमारे जो स्पाइसेस थे या जो जो हमारे लहसुन प्याज के जो मटेरियल था, प्लांटिंग मटेरियल था, उनके अंदर जो वेरिएशन देखने को मिल जाते हैं, वेरिएशन देखने को मिलते हैं, वेरिएशन का बहुत बड़ा कारण ये है कि साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग और स्टोरेज नहीं हो पा रहा। तो सीड का जो पार्ट फर्स्ट सीड प्रोडक्शन, यहाँ तक हम बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन है प्राइवेट सेक्टर और जो स्टेट सेक्टर है वो सब बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, परंतु जो पार्ट सेकेंड ये बहुत बड़ा लैकिंग है जिसके अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज भी बहुत बड़ी रोल अदा कर सकती हैं और हमारे जो जो सेक्टर है दूसरे जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो हमारे जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, बीपीपी मोड का भी उसमें बहुत सख्त आवश्यकता है। पिछले बार एक पॉलिसी डिसीजन हुआ राजस्थान के अंदर कि अपन सीड स्टोरेज बीपीपी मोड पे करवाएं, उसको भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि वो एज सच इस तरीके के स्ट्रक्चर बहुत कम समय में कर दें। तो पीपीपी मोड का भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आया हमारे पिछली बार और राज्य विधानसभा में ये स्थिति बनी कि इसको एक माइक्रो बिल लिया है इसको एक्सक्लूड करते हुए, परंतु नहीं हो पाया। परंतु एक विषय ये भी है कि हमने जब हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाए और पॉलिसी डॉक्यूमेंट के ऊपर चिंतन करें तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर सीड स्टोरेज और सीड चैन को एज सच इन टोटो मेंटेन कर लें। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया सहजा जी ये सब चीज़ें प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं, परंतु सीड चैन पूरी तरीके से परफेक्शन में आ जाए तो वो विषय अगर अगर हमारा हमने एड्रेस कर लिया तो हमारे जो सीड का इशू है, जो सीड क्वालिटी वाला इशू जो आपने बात की, सीड क्वालिटी वाला इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है कि हम किसान हमारा इंश्योर नहीं हो पाता। किसान को एक विश्वसनीयता नहीं जमी हुई है कि वो जो हमको सीड ले रहे हैं, पर्टिकुलरली हमारे पब्लिक सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर के मैं ऐसी उसकी बात नहीं करता परंतु और जो पब्लिक सेक्टर जो बाकी है उसके सीड के ऊपर थोड़ा सा शक बना रहता है। यूनिवर्सिटी से माइक्रो लेवल पर सीड देती है परंतु कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अलावा तो वो सीड तो विश्वसनीय है परंतु बहुत कम मात्रा में, और उनके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। परंतु जो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो हमारा गवर्नमेंट जो सीड कॉर्पोरेशन है उनके सीड पर सदा शक बना रहता है। उनको मैंने बहुत हमने बहुत अच्छे तरीके से उसको कई बार उनके विषय को देखा कि ये क्यों होता है सर, तो उसका रीज़न ये है कि उन्होंने पैकेज दे दिया दूसरों को, परंतु जो सेकेंडरी मैनेजमेंट है ये वाला जो मैनेजमेंट साहब विषय उठाया कि इनका जो सीड चेन है मैथड है वो पूरा का पूरा फॉलो नहीं हो पा रहा है। सो मैं इस विषय को आपके सामने रखते हुए इस विषय में कोई इंपॉर्टेंट सजेशन आप देंगे तो उनको आगे तक पॉलिसी डॉक्यूमेंट में डालें। चित्रकूट तो डॉक्टर जो है अपने आप में ही इज अ स्पेशलिस्ट इन द केस ऑफ इन द फील्ड ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, ही इज अ फेमस वेजिटेबल ब्रीडर एंड ही हैज डेवलप्ड सेवरल वैरायटीज एंड ही हैज प्रोवाइडेड लीडरशिप in augmenting the seeds, particularly these vegetable crops in that arid ecosystem in that region where he's posted, and a very good seed program is also was started I think in the recent past, particularly the seed hub program and our other programs are being started. So I request Dr. Sivakumar Saab to give his views about the seed availability, seed production system whatsoever we have in the country. आभार डॉक्टर मल्होत्रा जी, मैं तो पहले सुनने के बाद में कुछ अपना ज्ञान
आपके साथ शेयर करना चाहता था, परंतु दो तीन बातें करूँगा कि सीड अवेलेबिलिटी की इस पर चर्चा हो रही है। हमारे यहाँ पहले भी उत्पादन होता था और इससे ज़्यादा जमीन थी। अगर हम पिछले 60 साल पीछे जाएं, 70 साल पीछे जाएं, तो इससे ज़्यादा जमीन थी, इससे ज़्यादा खेती होती थी, लेकिन उत्पादन पर एकड़ कम होता था, क्योंकि वो सीड किसान द्वारा जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है उससे करता था। और आज भी हमारे गांव में एक प्रथा है कि कुछ महिलाएं एक प्रोग्राम करती हैं जिसमें गेहूं का बीज बोती हैं और वो उस सीजन से पहले बो के देखती हैं, जिसकी अच्छी बाढ़ हो जाती है उसको कहते हैं उसका बीज बहुत अच्छा है। वो मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज आप टेस्टिंग थी, उसको कहीं हमने ख़त्म किया। दूसरी मैं बहुत जल्दी जल्दी बात करूँगा, अब लंबी बात तो नहीं करेंगे। एक हमारा और ट्रेडिशनल सिस्टम था कि जब पूरा खेत में फसल पक जाती थी पूरी तरह से, तब हार्वेस्ट होके आती थी, और वो भी गोबर और मिट्टी से जो बने हुए हमारे ढांचा होता था जिसमें कुंटल दो कुंटल सीड रखा जा सकता था, उसमें रखते थे। क्योंकि अब जो सीड बिन आए हैं उससे मॉइस्चर ट्रांसफर हो जाता है, तो जो सीड का मॉइस्चर होता है उससे डबल मॉइस्चर हो जाता है। तो जब किसान बोने जाता है तो पता चलता है कि उसका 70% जर्मिनेशन के बजाय वो 40-42% जर्मिनेशन होता है, सीड भी ज़्यादा लगता है उसके। ये मैं थोड़ी छोटी बातें हैं जो ट्रेडिशनल नॉलेज से मैं चाहता हूँ कि उसको। दूसरा, सीड की इतनी ज़्यादा मारामारी तब होती है जब हमारा प्रोग्राम है, तो बहुत गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं वो बहुत अंतिम समय पर तैयार करती हैं। मैं ये चाहता हूँ, इसमें दो पार्टनर हैं, एक प्राइवेट सेक्टर है, एक पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर का तो सेल्समैन हर दुकान पर 8 महीने पहले पैकेट रख जाता है, वो बेचना जानता है, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वो दुकानदार का, ट्रेडर का, जिसको 20-30% मार्जिन वो किसान का इतने देखता है। हमको चाहिए जो हमारी एग्जिस्टिंग वैराइटीज है, जो चल रही हैं, प्रचलित हैं, जो प्रमाणित हैं, किसान उसमें ज़्यादा उनको समस्या नहीं है। ठीक है, थोड़ा प्रोडक्शन कम है, मैं अभी हाइब्रिड पर बाद में आएंगे, उसको पहले तीन बुवाई से 3 महीने पहले सरकारी एजेंसियां ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी किस क्षेत्र में कौन सा जोन है जहाँ हमको ये वैराइटी देनी है। हर वैराइटी हर जगह नहीं चल रही, पर वो एक ही सीड आता है केंद्र से, NSC या जो भी हो, वो पूरे बांटना ही बांटना है उसको। गवर्नमेंट एजेंसी मजबूर होती है, नीचे वाले मजबूर होते हैं, तो पहले तो उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रजाति का चयन करके बीज का वितरण किया जाए। हर प्रजाति हर जगह नहीं चलती, पर होता यह है कि एक प्रजाति का प्रोडक्शन हो गया तो उसको थोप दो वहाँ पर, हमारा टारगेट पूरा हो जाए। ये टारगेट किसान का, नुकसान तो किसान का हो रहा है, एक बात। दूसरी, अभी तक हमारे पास, हम उस स्टेटिस्टिक्स पे चल रहे हैं जो पटवारी साहब सरकार को दे देते हैं, हमारे पास अभी भी रियल स्टेटिस्टिक्स नहीं है, आंकड़े नहीं है, कौन किसान क्या बोता है, कब बोता है, कितनी खेती है। हमारी प्लानिंग होती है दिल्ली में बैठ के, काम किसान कहीं और करता है। हमें स्टेटिस्टिक्स, रियल स्टेटिस्टिक्स, आंकड़ों की जरूरत है। अगर देश में कोई अच्छी योजना बनानी है बीज के लिए, तभी आप कर पाएंगे। मेज का एरिया कौन सा है, लिंसीड का एरिया कौन सा, वो सब जोन आइडेंटिफाइड हो जाए और उसी तरफ से हम उनको प्रशिक्षित करें, मोटिवेशनल प्रोग्राम चलाएं। क्योंकि हमारा यूथ को थोड़ा सा समझाना है, साइंटिस्ट थोड़ा और तरीके से करता है, उसके 10-20 फिजिकल स्ट्रक्चर करेक्टर आइडेंटिफाई करके उसको ब्रीडर सीड में कन्वर्ट होता है, मगर किसान भी इतना कम नहीं है, वो एक एक नज़र जानता है। तो इसलिए मोटिवेशनल प्रशिक्षणों की ज़रूरत है, जिससे वो थोड़ा सा अपना बीज अपने आप बना सके। मैं और थोड़ा सा समय, 1 मिनट और लेता हूँ। हम किसान से कभी उस वैरायटी के बारे में फीडबैक लेते, प्राइवेट वाले तो थोड़ा बहुत लेते भी हैं, यहाँ बैठे हुए हैं कुछ लोग वेजिटेबल जो मेरे साथ एसोसिएटेड थे, भी मिले थे, मगर हाँ, तो अगर जो ओपन पॉलिनेटेड क्रॉप है उसमें कोई फीडबैक नहीं देता। ये तो हुआ ट्रू सीड की बात। एक कुछ ऐसी फसलें हैं जिनमें ट्रू सीड नहीं चलता, आलू की फसल फॉर एग्जाम्पल मैं, जिसमें आलू से आलू पैदा करना है, आलू में क्या जा रहा है किसान के यहाँ, इसको कोई नहीं देखता। जो कोल्ड स्टोरेज में आलू बच गया, कम रेट पे हो गया, सीड साइज का फिल्टर किया और बेच दिया, और किसान लगा लेता है क्योंकि उसको उम्मीद नहीं है कि मुझे मिलेगा क्या। हमारे पार्ट पर, सरकार के पार्ट पर बहुत ज़्यादा इसमें जिम्मेदारियाँ आती है, उसमें कहीं ना कहीं चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें सेल्फ लाइफ नहीं होती। ऐसी बहुत सी चीज़ है जो इसी तरह से, जो प्रोपोगेटिंग मटेरियल जो टिश्यू भेज, प्राइवेट से जो भेजे जा रहे हैं वो ठीक है, टिश्यू कल्चर से तैयार है, उसकी आइडेंटिटी है, पर और तरीके से जो सीड प्लांटिंग मटेरियल भेजा जा रहा है उसकी बात की ज़रूरत है। हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, हमारे हम कई फसलों में प्रथम और द्वितीय हैं दुनिया में, मगर क्वालिटी में हम बहुत पीछे हैं।
आज भी खान मार्केट में चले जाइए तो आपको इसराइल के और उसके फ्रूट बिकते हुए ज्यादा दिखाई देंगे बजाय हमारे इंडियन एप्पल बिके। हमें आवश्यकता है वो इंडियन एप्पल को सुधारे, है उसमें कैपेसिटी, पर कोई ऐसे मोटिवेशनल प्रोग्राम हमारे चलने चाहिए जो यहाँ की ट्रेडिशनल क्रॉप है। एनईएच का एरिया है, ऑर्गेनिक की मांग है, आजकल पैसे की कमी किसी के पास नहीं है, उसके पास विश्वसनीयता की कमी। अगर जिसके पास विश्वसनीयता है वो पैसा खर्च करने को तैयार है, ऑर्गेनिक के नाम पर हर चीज बिक रही है। हमको चाहिए कि हम अगर इनकम ऑफ फार्मर बढ़ाना चाहते हैं तो एक अच्छा प्रोग्राम अच्छे ऑर्गेनिक सीड के साथ ही शुरू करें, क्योंकि ऑर्गेनिक को एक दो साल ऑर्गेनिक सॉइल बनने में लगेगा। जिस किसान के यहाँ लेंगे पहले साल ऑर्गेनिक आप कह दें, क्योंकि रेजिडुअल इफेक्ट बहुत रह जाता है पिछले साल कमी का, तो दो साल के बाद ही उसको ऑर्गेनिक कह सकते हैं। ऐसी कुछ बातें थी, काफी मैं सुनने के बाद हम लोग करेंगे। अभी जो ये अभी इंट्रोडक्टरी स्तर था एक तरह से, इस स्तर के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्टरी जानकारी उपलब्ध कराई गई हमारे जो विशेषज्ञ हैं, हमारे को चेयरमैन हैं इस सेशन के। तो अभी मैं जो ये सेशन है मैं ओपन करता हूँ, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री भी है, रिसर्च सेक्टर भी अवेलेबल है, डेवलपमेंटल सेक्टर से भी अधिकारी यहाँ उपलब्ध है, और इसके साथ साथ जो है इंडस्ट्री से भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर है और किसान भाई। तो मैं सबसे पहले जो मैं कहना चाहूँगा, अभी रिसर्च सेक्टर से हम लोग बात कर रहे थे, पहले एक सेक्टर को मैं बुला लेता हूँ, रिसर्च से कोई कुछ कहना चाहते हैं आप माइक से वैसे ही बात कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो सर, बात आ गया अबाउट एग्रीकल्चर टेक्निकल जो डिपार्टमेंट का। आई यूजुअली ट्राई टू स्टडी के एग्रीकल्चर फार्मिंग एट द हाउसहोल्ड लेवल। वन ऑफ माय रिसर्च इट फाउंड दैट इज सीड रिलेटेड शॉक एट द हाउसहोल्ड लेवल इज द हाईएस्ट, एंड सम ऑफ द थिंग्स प्रीवियस स्पीकर हैज ऑलरेडी मेंशनड, टाइमिंग, अवेलेबिलिटी, एश्योरेंस, अफोर्डेबिलिटी, these are the major issues farmers are facing, and the seed related problems which converted into the vulnerability of shock at a household level has been increasing substantially over the year, despite of we have national sugar pressure, private sector, state level and all these, and the farmers are really desperate to find any seeds because sowing season is delayed. That's the reason why the agriculture, everything can be delayed other than agriculture. Appropriately with the current scenario. Third thing is that, suggestion is that when I take my study with the farming household and around six states, what they are saying that seed availability is there, what's about the quality? Quality is there, what's about affordability? Sometimes the price is so high, they have to select the high quality, not they are not very sure. बट स्टिल दे हैव टू बाय। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हाउस होल्ड लेवल पे काफ़ी फर्क पड़ता है इसमें, और इनफैक्ट जो सीड रिलेटेड शॉक और वल्नरेबिलिटी ट्रांसलेटेड इन टू मेजर इकोनॉमिक एंड सोशल शॉक एट हाउस होल्ड। रिसर्च सेंटर फर्स्ट इंट्रोड्यूस सेंटर is not reaching the farmers, not this for the decades.
And the entire seed subsidy or schemes, everything is depending on state government, everyone is depending on the private sector to procure seed from away and distribute some schemes. So what is the lacuna in the public sector? Are they not capable of developing important very good hybrids? Suppose if they are developing, is the seed production a problem? If the seed production is not a problem, then distribution and business plan is a problem. There are so much of other sector related agriculture department, lot of people are public servants are working in agriculture sector, huge number available in each village and nearby village. So why not at least a portion of seed supply, public institutions are totally failed. This need to be taken into consideration as for the seed availability. And one example just I said, in Telangana, some in a rural area, it's a tribal area, interior villages, everywhere the BT cotton seed is available, but not any seed. And we have interacted with the farmers that it's because of your type of environment, your type of climate, and your type of investment, further investment for a hybrid, your resources are not suitable for the hybrid, then we are here. They say that, okay, they go to agriculture university? Yes, you have a seed division there? You have so many. You have a seed production program? Anyway, no. Any other question from the they say that seed is not available. And at the seed where we will is available, our experts, they would have used. So this we need to discuss in depth, what is a public institution's role in making the seed available to the farmers, at least a share. But somebody should respond to his question. We have voted and then we will respond. Finally, we will respond to every question. I am Dr. Yogisha from the Indian Institute of Horticulture Research. I am from Horticulture Institute, I would like to raise one. Bangalore, sir. Sir, nowadays, sir, vegetable seedlings are raised in pro trays. Nobody is going for a traditional method of raised nursery bed. The prescribed minimum seed certification standards for especially for germination is in the range of 70 to 80%. In some crops it is 60%. Just maintaining this quality is not enough as far as vegetable seeds are concerned. We need to raise our quality standards further, maybe more than 90%, in order to meet the present today's situation. The other day, one farmer came to our institute and he purchased few packets of chili seeds. And he asked, what is the requirement, special requirement for raising the nursery? Then I asked him, why you are asking that question? He said, I am giving the seeds to nursery men to raise the seedlings. I am not raising the seedlings. So, the present the seed standards, what we have in the Indian minimum seed certification, I think it is not sufficient as far as vegetable seeds are concerned. That is my point. We need to... It's in general. Can you be specific? Where that is in general, gentlemen. This is very general. Let us be specific. Sir, in case of tomato, it is 70%. In Brinjal, it is 70% germination. Okay. Here we need more than 80% since we are going for pro-tray seedling raising. Capture of the seed is responsible for reducing germination. Pardon, sir? Capture of the seed is responsible for reducing germination. Texture of the seed? No, vegetables mein problem hai, par jo transplanting material hai, wahan pe bhi standards lacking hai. और मशरूम की बात करते हैं तो मशरूम के लिए हमारे देश में कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है क्योंकि इसका जो स्पॉन है वो माइसीलिया है माइसीलियम है और दुनिया भर के मशरूम की तरह जैसे वर्ल्ड है मशरूम्स की तरह स्पॉन लेबोरेटरी आ गई है एंड वो फार्मर को क्या दे रहे हैं और वो क्या जाके कितना उसको नुकसान होता है उसके लिए दिस नीड टू हैव सम स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स फॉर
a small laboratory and to give us some specific strain. इस प्रकार का कुछ आना चाहिए. साथ में bioinoculants की भी seed के साथ काफी महत्वपूर्ण रहता है. तो वो जो जैसे हम राइजोबियम वगैरह सप्लाई करते हैं, ये सब चीज़ें टाइमली अगर अवेलेबल होंगी जनरल क्रॉप्स में या वेजिटेबल्स में, तो ये जो हमारे डैम्पिंग ऑफ वगैरह की जो प्रॉब्लम रहती है वेजिटेबल्स में, वो तो काफ़ी हद तक सोल्व हो जाएगी. ये अवेलेबिलिटी या पॉपुलर नहीं है, दैट नीड्स टू बी पॉपुलराइज. और मैनर क्रॉपिंग ओनियन गार्लिक स्पेशली प्रॉब्लम इन द ओनियन ओनियन इज द 100% पॉलिनेटेड क्रॉप एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द दिस कंपनी 10,000 मेट्रिक टन सीड इज रिक्वायर्ड आउट ऑफ 10,000 ओनली 15 to 20% प्रोड्यूस बाय द ऑर्गेनाइज्ड देन